नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसां वंदितो सर्वसिद्धे द्रोमचलमोहं यदिं पत्ते मोक्षामि समयपाहं निर्णयो सुदकेवलीवर्यम् व्यवहार क्या है ये कल हमने समझने की कोशिश की थी और ये भी समझने की कोशिश की थी कि व्यवहारी मान्यताओं को लगातार समझते रहना चाहिए। उसमें सिद्धांत ये था कि पर के साथ संबंध जोड़ने से व्यवहार बनता है और अकेला व्यवहार ही नहीं बनता, विकल्प भी बनते हैं। व्यवहार बने कोई दिक्कत नहीं, व्यवहार से बंद नहीं होता, बल्कि जैसे ही आपने ये जान लिया कि व्यवहार है तो व्यवहार का व्यवहार रूप ज्ञान तो निश्चय ज्ञान हो गया। क्यों? क्योंकि जो जैसा है वैसा आपने जान लिया। अब बंधन कहाँ से हो रहा है कि जो व्यवहार में टोटमल जी साहब शब्द कहते हैं बहुत सुंदर, एक द्रव्य को अन्य के द्रव्य रूप मिलाकर कहता है, कारण कार्य आदि का उपचार करता है, सो ऐसे ही सिद्धांत का नाम मिथ्यात्व है। ये शब्द लिखा उन्होंने मोक्षमान प्रकाशक में सातवें अध्याय में। व्यवहार ने क्या कहलाता है? एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से मिलाकर कहता है, कारण कार्य आदि कहता है, मिलाकर कहना कि दो को एक कह देगा कि भाई अभिषेक है अभिषेक, ये एक कथन नहीं है, दो का दो द्रव्यों को मिलाकर एक कह रहा हूँ। अभिषेक दुकान पर गया, अभिषेक ने गाड़ी चलाई, बराबर, अभिषेक ने रोटी बनाई, ये तो नहीं कहूँगा, उसमें अपना अपना नाम सेट कर लेना। समझ आया? आ तो ये जो भी चीज़ जब एक द्रव्य के कारण कार्य को दूसरे द्रव्य के कारण कार्य में मिलाकर कहता है उसका नाम क्या है? व्यवहार। लेकिन टोटमल साहब इससे आगे बढ़कर कहते हैं सो ऐसे ही श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। ये शब्द लिखा होगा, व्यवहार को कहना बोला और मानना मान लिया तो बोले मिथ्यात्व। मतलब मैंने घर चलाया, मैंने दुकान चलाई, वाहन चलाया, ये कहना मिथ्यात्व तो नहीं, कथन जगत का ही होगा, लेकिन ऐसा मान लिया तो मिथ्यात्व। ये कहोगे नहीं तो क्या कहोगे? आपने चलाई क्या? ऐसे थोड़ी होगा, फिर तो लोग भी कुछ खबर ही नहीं पड़ेगी। मतलब व्यवहार का औचित्य सिद्ध नहीं होगा और व्यवहार का औचित्य रिलेवेंसी इसमें है कि आपका जगत का व्यवहार स्मूथली चले, बस इतना समझ लो। व्यवहार की रिलेवेंसी किसमें है? कि जगत में आपकी व्यवस्था बढ़िया बढ़िया चले, वो मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं। बराबर, देखो ऐसे जैसे गाड़ी भले ही कितनी अच्छी हो या पुरानी हो, सस्ती हो या महंगी हो, वो डाइनिंग रूम में तो नहीं आएगी ना। हाँ, वो रोड पे अच्छी चले, समझ में आया? ऐसे व्यवहार कितना भी अच्छा हो, स्मूथ आपका उत्कृष्ट व्यवहार हो, सामान्य व्यवहार हो, वो सब बढ़िया है, लेकिन उसकी रिलेवेंसी कितनी? कि वह जगत में अच्छा चले, बस। अब आप मैंने आप ये कहो कि 50 करोड़ की गाड़ी है, मैं बाहर पार्क नहीं करूँगा, मैं तो अपने बेडरूम में पार्क करूँगा, ये मान्यता ही कितनी बेहूदी लगती। अंकित भाई कभी ऐसा देखा कोई नमूना? ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी के प्रति प्रेम भाव वाला होगा तो गैराज बनवा देगा, बाहर नहीं करेगा तो पर्सनल गैराज। लेकिन कितना भी अच्छा हो वाहन, उसे कोई अपने शयन कक्ष में तो लेकर नहीं आता।
बोले नहीं, मैंने तो 50 लाख और करोड़ खर्चे हैं, मैं तो उसको अपने बेडरूम में ही लेकर आऊँगा, मुँह रखे। यही बात व्यवहार की है। कितना भी अच्छा व्यवहार हो लेकिन वो जगत की सिद्धि के लिए है, आत्मसिद्धि के लिए नहीं। आत्मा का हित उससे मान लिया तो ऐसे श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। समझना है आप। इसीलिए जब हम आत्मानुभवन के लिए आगे बढ़ते हैं तो मैंने कल आपको दो सूत्र दिए थे। कौन कौन से याद हैं? बहुत बढ़िया चर्चा आई थी। पहले नंबर तो मैं आत्मा हूँ, बहुत बढ़िया। संसार रूपी रोग से पीड़ित हूँ और जिन वचन औषध, एक इसका चिंतन करो। बराबर, कल पहला नंबर नहीं आ रहा था, वो अपनी भूल का था। मैं आत्मा हूँ ऐसा वाला, बराबर। मैं आत्मा हूँ, संसार रूपी रोग से पीड़ित हूँ और जिन वचन क्या है इसकी, औषध। और विकल्पों को रोकने के लिए क्या बोला था? फिर तीन उपाय बताए थे। पर से कुछ संबंध नहीं, मैं अपने में पूर्ण हूँ और जगत का परिणमन अपने आप। समझ में आया? इसीलिए बारंबार इस दृष्टिकोण से जीवन को, ये कोई, मतलब मैंने कल भी आपको बोला था, पुनः बोलता हूँ, ये कोई एक बार लगाने वाली चीज़ नहीं है। जैसे मैंने कल, इसको स्कैन करने का स्कैनर है, ये वायरस प्रोग्राम का स्कैनर है आपका। जैसे कोई भी आप बोलते ना कंप्यूटर में एंटीवायरस डालते, एंटीवायरस को कब कब यूज़ करते हो? हर एक्टिविटी के बाद एंटीवायरस यूज़ करते हो। पेन ड्राइव डाली, एंटीवायरस निकाली, एंटीवायरस स्कैन करता है। ऐसे हर परिणति के बाद, हर अवस्था के बाद आप ये तीन स्कैनर से अपने आप को स्कैन करो। ये एक बार के लिए नहीं है, क्योंकि माल फंक्शनिंग होती रहती है, ज्ञायक ज्ञायक नहीं रहता, ज्ञायक में राग द्वेष आदि होते रहते हैं और विकल्प बहुत घातक हैं। इसीलिए बारंबार ये चिंतन करते जाओ, कैसा मेरा पर से कोई भी संबंध नहीं, इसलिए परजन्य विकल्प अब बस हो, मैं स्वयं में पूर्ण हूँ ये जानकर हे अपूर्णता जन्य विकल्प अब बस हो। कमी जिन जिन से अपनी लगती है ना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, जब जब भी ये लगने लगे कि ये नहीं है, गाड़ी नहीं है, मकान नहीं है, फलाना नहीं है, किसी का साथ नहीं है, धन नहीं है, मान नहीं है, ओहो प्रभु मैं तो पूरा हूँ। इसीलिए हे अपूर्णता जन्य विकल्पो अब बस करो। दुनिया का क्या होगा, इसका क्या होगा, फलाने का क्या होगा, अरे रे रे, हे कर्तृत्व तो जन्य विकल्प अब बस करो, क्योंकि परसे कोई संबंध नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो कौन कौन सी बातें बोली? मैं, मेरा परसे कुछ संबंध नहीं, तो ये मोह के कारण जितने विकल्प हो रहे उसका निवारण हो जाएगा। मैं अपने में पूरा हूँ, इसमें अपूर्णता जन्य जितने विकल्प हो रहे, जिसमें कमी आपको लगती है, उन विकल्पों का निवारण हो जाएगा। और जगत स्वयं परिणमित होता है, ऐसा भी जो जो करने करने के विकल्प होते हैं ना, उन विकल्पों का निवारण हो जाएगा। बराबर, तो मोह का अभाव होगा, अपूर्णता का जो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर में पड़ा है, हमारे पास तो है नहीं कुछ, ये नहीं वो नहीं, वो इंफीरियरिटी भी निकल जाएगी। और जो परमे कर्तृत्वपने का जो भाव होता है, जो बहुत हैरान करता है, वो भी धीमे धीमे निकल जाएगा। बराबर, तो ये तीन फिल्टर से अपने आप को लगातार स्कैन करते जाए। अब ये तीसरे नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए खास बात कही कि अगर मैं पर का कर्ता मानूं तो मेरा नुकसान क्या है? एक एक प्रश्न आया। ठीक है, मैं मेरा भी काम करूं और पर का भी करूं, ये मानने में क्या आपत्ति है?
वो बताते हैं, बहुत बड़ी आपत्ति है। जिसे अपन सरल भाषा में कहें, ये धागा है ना, ये धागा ऐसा था, बराबर किसने उठाया? मैंने। और लगाया किसने? मैंने। ठीक है ना, ये मानने में कौन सा पहाड़ टूट गया है? बोलो, विचार करके दे। नहीं तो नुकसान क्या हुआ, बन गए ना करता। ये गाथा पढ़ना, आप समझना क्या नुकसान होता है। देखो, हाँ, व्यवहारी लोगों ने ये मान्यता सत्यार्थ न थी, 99 नंबर नहीं गाथा, मतलब कितनी बड़ी आपत्ति है इसको आप समझना। ये कर्ता बनना सस्ता और बेमतलब नहीं है, ये कर्ता बनना बड़ा महंगा है और अनर्थकारी, मतलब सत्यानाशी। शब्द को समझना, कौन सा है? सत्यानाशी। आपको पता चलेगा अभी गाथा पढ़ेंगे कुनकुन आचार्य देव की। तो जदि सो पर दब्बाणिया करे जनी नियमेण तम्मो होज, जम्महण तम्मो तेण सुनाते सिम अवधी कत्ता। पढ़िए, कितनी बड़ी बात बोल दी। यदि सो पर दबाणिया करे, यदि ये आत्मा उन पर द्रव्यों को करता है तो नियमेण, मतलब नियम से, तन्मयो हो जाए। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, कैसा हो जाएगा? तन्मय हो जाएगा। तो जो अपन कहते ना कि ये धागा मैंने उठा के यहाँ पे रखा तो मैं कर्ता बना, इसकी क्या कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी? कि मुझे मेरे जीवत्व से रिजाइन देना पड़ेगा और धागे पने को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि तन्मय हुए बिना कर्ता हुआ जाता नहीं, ये नियम। जो जिस रूप परिणमता है वह ही उसका कर्ता होता है, तन्मय हुए बिना कर्ता होता नहीं। दूध को दही का कर्ता कहा जा सकता है, क्यों? क्योंकि वो दूध दही रूप क्या हो गया? परिणमित हो गया। सोने को आभूषण का कर्ता कहा जा सकता है, क्यों? क्योंकि वो सोना आभूषण रूप परिणमित हुआ। मिट्टी को घड़े का कर्ता कहा जा सकता है, क्यों? क्योंकि मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई। ऐसे 50 दृष्टांत लगा लेना। कर्ता किसे कहा जाएगा? जो उस रूप परिणमित होगा। बराबर ख्याल में आया? बर वधु एक ही होंगे, बराती बर वधु नहीं होंगे। एक कार्य हो रहा है तो द्रव्य और पर्याय इनका ही कार्य हो रहा है, बाकी सब तो बराती। द्रव्य ने पर्याय को प्राप्त किया, परिणय वो है, बाकी तो सब बराती। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो हम भी जगत में जान में आए तो जनैया रहो ना। वर बनने की इतनी क्या उतावल है? पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ये कार्य जब होगा, कार्य होता है तो कुछ ना कुछ निमित्त हाजिर होते हैं। जैसे कोई भी अगर विवाह हो, धाम धूम से होगी तो हजारों लोग होंगे, कोरोना के पीरियड में होगी तो 100 लोग होंगे, कोर्ट मैरिज होगी तो 5-10 लोग तो होंगे। कोई नहीं होगा तो कहते अग्नि की उपस्थिति में कोई ना कोई तो होगा, है? समझ में आया?
तो बस उपस्थित तो हमेशा होते हैं, लेकिन लगन उपस्थित होने वालों का नहीं होता, तत्रूप परिणमित। आप समझ लो कि जिस जिसके भी हम कर्ता बनना चाहते हैं, आज आप देखना सोचना कितना भारी काम हम कर रहे हैं। बोलो, दुकान कौन चलाता? मैं। दुकान का कर्ता कौन? मैं। अरे रे रे, अगर दुकान के कर्ता बने प्रभु तो क्या होगा? शक्कर के रूप में तुलना पड़ेगा, कपड़े के रूप में कटना पड़ेगा। बोलो, जलेबी बनाने का कर्ता हलवाई ना? अरे जो हलवाई जलेबी बनाने का कर्ता बने तो उसे जलेबी की जगह तलना पड़ेगा। रोटी बनाने का कर्ता मैं, तो रोटी की जगह तुम्हें सिकना पड़ेगा। बोलो, सर्दी बहुत हो गई ना तो करना पड़ेगा। ये तो मैंने किया ना, ये किसने किया है? अरे अगर ये कफ को खकारने का भी मैं कर्ता बनूं तो कफ की जगह मुझे होना पड़ेगा, और जैसे कफ बाहर फिक जाता है वैसे मुझे फिकना पड़ेगा। शरीर का ध्यान मैंने रखा ना, मैंने क्या किया, तला हुआ नहीं खाया तो मुझे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा है, मैंने ये जिम किया तो मेरा वजन नहीं बढ़ा बराबर, मैंने शक्कर छोड़ दी तो मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, ये सब तो मैं ही कर रहा हूँ ना। अरे रे रे, जो ये सब मैं करूँ तो सबकी जगह मुझे जाना पड़ेगा। शरीर को संभालने का मैं कर्ता बनूँ तो एक एक रक्त के रूप में मुझे शरीर में बहना पड़ेगा, चर्बी के रूप में मुझे जलना पड़ेगा। ये अब सोचो, तन्मय शब्द जैन धर्म के आधार पर कर्ता किसे कहा जाता है? हम तो बड़े आसानी से हर चीज में कर्ता भाव कर लेते हैं। देखो मैंने शरीर का ध्यान रखा, देखो मैंने केयर किया तो मेरा शुगर नहीं बढ़ा, देखो मैंने ऐसा किया तो मेरा ये नहीं हुआ बराबर, मतलब 50 जगह दुकान मैंने बनाई, मकान मैंने बनाई, ऑफिस मैं चला रहा हूँ, गाड़ी मैं चला रहा हूँ, घर गृहस्थी मैं संभाल रहा हूँ, बच्चों का पालन पोषण मैं कर रहा हूँ। ओहो हो हो, जिस जिसमें भी कर्ता बनने जाएगा उसमें ही हो जाए। अरे प्रभु, पर का करना की इतनी उतावल, अपनी सत्या का सत्ता नाश करके पर का करते तो बनने का कि डेढ़ अकल लगाता क्यों? समझ में आया? अपनी सत्ता नाश करने की इतनी उतावल क्यों है? अच्छा नहीं लगता जीव होना? अच्छा नहीं लगता पूर्ण होना? अगर पूर्णता अच्छी लगती है तो मैं अपने में ही हूँ ये जानकर पर संबंधी समस्त विकल्पों को समाप्त करने का महान पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? मैं तो बहुत प्रैक्टिकल बात करूँगा, विचारो जरा, ये कर्तृत्व भाव को इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जो भी संसार का ईंधन मिलता ना, ईंधन, वो सारे संसार को चलाने का ईंधन इस कर्ता भाव से मिलता है। आप मानो चाहे ना मानो, जैसे ही आपको कोई वस्तु पूर्ण दिखाई देती है उस संबंधी सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। विचार कर, जैसे होता ना, मां को किसी को भोजन पे बुलाना हो और माताओं बहनों को सुबह से कितने विकल्प होते हैं, ये कर देना, वो कर देना, फलाना कर देना, सब कर देना बराबर, और टाइम टू टाइम वो लोगों के आने के पहले और सारा भोजन तैयार हो जाए और डाइनिंग टेबल पे लग जाए, हाश। अब आप वो विचार करो, पूर्णता की स्वीकृति से होने वाला आनंद और अपूर्णता के कारण या कर्तृत्व के भाव के कारण होने वाले विकल्प, दोनों में से कौन सी अवस्था अच्छी लगती?
सोचो जरा, विचार करो, क्या बोला आई कि नहीं ख्याल में? आप दुकान में भी लगा सकते हो, जब दुकान में जाते हो 50 टू डू की लिस्ट लेकर जाते हो, टू डू टू डू टू डू, ये करना ये करना ये करना ये करना ये करना, और सारे विकल्प, पहले कितनी आकुलता थी और सारे काम बराबर हो गए बस पूरा, अब उसके द्वारा जो आने वाली शांति है वो कितनी अलग। विकल्पों का दुख अच्छा लगता कि पूर्णता और अकर्तित्व का आनंद अच्छा लगता? एग्जाम होता ना, एग्जाम एग्जाम है, वो एग्जाम के पहले की स्थिति और अच्छा पेपर चला जाए उसके बाद की स्थिति, क्या क्या हुआ, अंतर क्या रहा? एक में करने के विकल्पों से आप उलझे हुए हो और एक में आप पूर्णता का आनंद भोग रहे। आप देखो ना, प्री पोस्चर और आफ्टर कितना अंतर आता है। अब ये सब दृष्टांत में आपको क्यों दे रहा? तीन दृष्टांत दिए मैंने, रसोई का दृष्टांत दिया, व्यापार का दृष्टांत दिया, विद्यार्थी का दृष्टांत दिया। उसमें दो दशाएं आपको बताई, एक दशा में कर्तृत्व का विकल्प है और एक दशा में कर्ता भाव का की पूर्णाहुति। आनंद की दशा कौन सी? एक लाख लोगों से भी पूछूंगा ना तो सब एक लाख के एक लाख लोग किस पे टिक लगाएंगे, नहीं नहीं कर्ता में आनंद नहीं है भाई। जो आनंद मैं खुद बता रहा हूँ, जब मैं 2010 में आईएएस के एग्ज़ाम दे के मेरा फाइनल एग्ज़ाम था ना, तो पूरा हुआ था तो एकदम ऐसा हुआ बहुत जोर से चिल्लाऊँ, इतना इतना वो पढ़ना 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 कंटिन्यूस हो गया था कि ऐसा लग रहा था इतने जोर से चिल्लाऊँ कि बस हो गया पूरा। समझ आया कि नहीं आया? विचार करके देखो, ये बता रहा हूँ कि हमेशा कर्तृत्व भाव दुखजनक होता है और पूर्णता का वेदन सुखजनक होता है। ये तो सब दृष्टांत। अब भगवान कह रहे हैं, बड़ी गहरी बात कह रहे हैं कि जैसा तू एक पर्याय में पूर्णता का वेदन करना चाहता है, जैसे तू एक कार्य में पूर्णता का वेदन करना चाहता है, तू एक प्रकार के कर्तृत्व के विकल्पों का निवारण करना चाहता है, प्रभु तू हर पर्याय में पूरा और एक प्रकार के कर्तृत्व के विकल्प से जितना दुख तुझे होता है तो अनंत प्रकार के कर्तृत्व के विकल्प से अनंत गुना दुख होगा, और एक प्रकार के कर्तृत्व के विकल्प की समाप्ति से जो आनंद होता है तो अनंत प्रकार के कर्तृत्व विकल्पों के आनंद की समाप्ति से, कर्तृत्व के विकल्पों की समाप्ति से अनंत गुना आनंद होगा। और वस्तु की व्यवस्था अभी भी ऐसी की ऐसी ही है। समझ में आया? कल बदलेगी ऐसा नहीं है और आज अधूरी है ऐसा नहीं है। आज भी अगर हम अपने चैतन्य तत्व को अपने अंदर में निहारें तो ये आज भी उतना ही पूरा है जितना सिद्धों का वैभव। जगत आज भी अपनी व्यवस्था से चल रहा है, कभी भी वो हमारे विकल्पों से चला नहीं, तो फिर क्यों इन विकल्पों की भट्टी में जलकर अपनी सत्ता को भूलकर जड़ जैसा बनने का प्रयास करते हैं? यहाँ कुनकुन आचार्य देव को याद करो कि परमे कर्ता पर का कर्ता बनना ये कोई फायदे का सौदा नहीं है, ये सत्यानाशी कदम है। क्या बोल रहा हूँ? पर का कर्ता बनना ये कोई फायदे का सौदा नहीं है। तुम्हें कदाचित पर के कर्तृत्व से थोड़ा मान मिल जाए, हमें कदाचित पर के कर्तृत्व से ऐसा लग रहा हो कि मान मिला, लाभ मिला, बराबर, लेकिन ये बहुत ऊपरी है और इसके बनने के चक्कर में जो आत्मवैभव खोया उसकी कीमत बड़ी भारी है। बन आया, ये मान वान मिला ही तो बहुत ऊपरी है, कितनों का मान होता है, कौन कौन याद रखता है? हम देख नहीं समझे,
15 साल के पर्यूषण में 7 बार तो पालड़ी मंडल से मान मैं ले चुका हूँ। हर पर्यूषण होता है, उसके बाद में वो स्वाभाविक लोक व्यवहार है, बराबर। तो लोक व्यवहार में क्या क्या सम्मान समारोह, सम्मान तो 7 बार सम्मान समारोह तो मेरा हो चुका है। हम देख रहे 2006 से लेकर 2022 तक लगभग लगभग 6 से 7 बार 10 लक्षण में यहाँ पे रहा हूँ। क्या फर्क पड़ रहा है उससे, विचारो कि नहीं विचार रहे। ये हमको लगता है कि अरे मान हो गया बड़ी बात है, क्या बड़ा हुआ उसमें प्रभु, धन मिला, क्या क्या मिला उससे, वो बैंक का पैसा बैंक में पड़ा है, मान पत्र घर में टंगे हैं, उससे आनंद कहाँ बढ़ रहा है। खुदा ही देख देख के खुदा ही खुश होता है। अब तुझे तो खुशी होना है तो मान पत्र को देखकर खुश क्यों होता है। अनादि सर्वज्ञ भगवंतों ने तुझे जो त्रिकाली प्रभुता का मान दिया, उस त्रिकाली प्रभुता का मान देख देख कर खुश होना। अखबार में कटिंग आए, अखबार में कटिंग छपा छपा के रखता है, देखो मेरा नाम आया, देखो मेरा नाम आया, देखो मेरा नाम आया। वो पता है आज का नाम कल कहाँ जाएगा। अरे ये समय सार में जो मान बताया वो तेरा है, क्या क्या बोला इसमें, अहमपना करो अंकित भाई। ये जो अखबारों में नाम आया वो मेरा नहीं, वो तो ज्वाइंट अकाउंट है, और ज्वाइंट अकाउंट में भी 2 पर्याय हैं, है 100% होल्डर 50-50 का ज्वाइंट अकाउंट भी नहीं है। ये मनुष्य जीवत्व का अमुक अंश और पुद्गल परमाणुओं का अमुक अंश, उन दोनों को मिलकर ये ज्वाइंट वेंचर बना है जिसका नाम मनुष्य है अभिषेक। मैं भी कहां पूरा हूं इस अभिषेक में, तो अभिषेक का नाम आ जाए अखबार में तो अभिषेक खुश हो जाएगा। और समय सार में जिसका वैभव बता रहे वो किसका है। मुझे कि नहीं समझा। एक बड़ी कुमार विश्वास की एक बहुत अच्छी कविता है, उसकी अंतिम पंक्ति बड़ी काम की है। जो शिलालेख बन सकता था अखबार बनाकर क्या पाया। नहीं आई ख्याल में बात, आई आई ख्याल में। जो जो क्या बन सकता था, शिलालेख। आप गिरनार जी जाते हो ना, गिरनार जी, गिरनार में जूनागढ़ में वो शिलालेख मिलते हैं, बराबर। उसके बारे में ऐसी मैं गया था, अब मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूँ, ये सब अशोककालीन शिलालेख हैं, लगभग ऑलमोस्ट 2300 साल पुराने हैं। अब वहाँ का एक आदमी बोल रहा था, उसे पता ही नहीं है मतलब कैसे कैसे लोग सुनने जाते हैं और कैसे कैसे लोग सुनाने जाते हैं। वहाँ पर जो अवेलेबल था वो कह रहा कि जिस दिन इसकी भाषा समझ में आ गई उस दिन प्रलय आ जाएगी। मैंने इस हिसाब से 1826 में प्रलय आ जानी चाहिए थी, क्योंकि 1827 में जेम्स प्रिंसेप ने इस ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया था। मतलब ना लोगों को पता है कि क्या है 1827 में, करीबन जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था ब्राह्मी लिपि को। मैंने अगर प्रलय आनी होती तो अमूमन 200 साल पहले आ जाती, लेकिन 200 साल पहले जो सत्य उजागर हो चुका है, लोगों में इतनी अज्ञानता है कि अभी भी ऐसी मान्यताएं वो गाइड कहते हैं और लोग सुन के चले जाते, जबकि सिलेबस में आई हुई बातें हैं। ऐसा नहीं, अगर आपने 6th-7th का इतिहास पढ़ा हो, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी हो, तो पूरा का पूरा उस पर ही डिपेंड है। अच्छा, ऐसी मान्यताएं बहुत चलती हैं। वो मैं, मेरे मामा के लड़के हैं अंजार में, गांधीधाम में, तो अंजार गया, वहाँ पे जैसल तोरण की समाधि, उसके बारे में मान्यता कि पास आ रही और जिस दिन पास आ जाएगी उस दिन प्रलय लाने की सब उतावले बैठे हैं। न्यूज चैनल वाले देखो तो वो कहते हैं अब 3rd World War, अब आएगी प्रलय, ग्लोबल वार्मिंग, अब आएगी प्रलय, ना जाने कितनी। देखो भैया, ये व्यर्थ के विकल्प हैं, इनमें ज़्यादा अपने को उलझाना उलझना नहीं। वस्तु अपने रूप परिणमित होती है,
इसीलिए ये कर्ता जन्य विकल्पो अब बस बराबर। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, शिलालेख की क्या कीमत होती है। 2300 साल पुराना है, आज भी जीवंत है। और 23 दिन पुराना पेपर कोई कहे तो ये असमान जाति की पर्याय का बखान, ये अखबारी मान है। कौन सा मान? अखबारी मान। और चैतन्य स्वभाव की आत्मा का मान वो शिलालेख ही मान है। समझ में आया? फिर से, असमान जाति पर्याय का मान, कहीं पर नाम आ गया अभिषेक जैन, कोई वेदी का निर्माण करता भगवान विराजमान करने के, अरे प्रभु बताओ ये शब्द ही कितना अजीब, मैं भगवान को विराजमान करूं, मैं भगवान को विराजमान करूं, मैं मंदिर निर्माण कराऊं, अरे कैसे शक्य है। बराबर, जबलपुर में भी एक नया जैन मंदिर बन रहा है, बराबर, और मैं बहुत अच्छा बन रहा है, लोगों ने अपनी क्षमता से अधिक, गुरु भाई सीमित सब मध्यम वर्गीय लोग हैं, लेकिन अपनी क्षमता से अधिक जा जाकर 15 करोड़ का प्लॉट लिया, 15 करोड़ का प्लॉट, सब लोगों ने खूब अपना जितना भी हो, क्षमता से अधिक कहता हूँ ना, सीमित लोग हैं, 50-60-70-80 घर के लोग हैं, सब मध्यम वर्गीय हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 15 करोड़ का प्लॉट लिया, और अगले 2-3 सालों में उनके बनाने की पूरी गिनती है जो बनाएंगे। तो बार बार वो बात करें, तब मैंने एक बात वहाँ पे कही थी, आपको भी कह रहा हूँ कि जिस जिन मंदिर में दोनों टाइम स्वाध्याय होता हो, वो जिन मंदिर नहीं है, समोसरण है। और समोसरण के लिए हम कुछ कर सकते ही नहीं, जो कुछ करेगा वो समोसरण हमारे लिए करे। कल्पद्रुम ये समोसरण है, तो हम ये हम क्या कर रहे हैं इसके लिए, हम कुछ नहीं कर रहे, हम जो उसके लिए करें बहुत अल्प है। और जो आत्मज्ञान का वैभव जो समोसरण के माध्यम से हमें दिख रहा है वो अभूतपूर्व है, इसीलिए हम समोसरण को बनाने वाले, हम भगवान को विराजमान करने वाले, हम जिन मंदिर बनाने वाले, ओहो अपन ने अपना असमान जाति पर्याय का नाम उस पे छपा दिया। अरे प्रभु तू अखबारी मान के पीछे गया, तेरे आत्मा का वैभव जो उसमें गूंजेगा, जो समय सार की हर गाथा में गूंजेगा, वो तेरा मान है। जो दीवार पे लिखा रहेगा वो तो तेरा मान नहीं है। अरे वो तो मान क्या, ये पर्याय, जैसे किसी को बोले ना, यहाँ पे तो कोई नहीं है सजा काट के आया हो, बराबर, तो जेल में जैसे बोलते ना, कैदी नंबर 420 है ना, बैरक नंबर 515। अब ऐसे अगर किसी को बार बार उस नाम से बोला जाए, कैदी नंबर, खोली नंबर, जेल की खोली हो ना, बैरक नंबर, तो उसका मान की अपमान, बार बार उसके अपराध को याद कराया जा रहा है। मैं बहुत वजनदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ, आप उतनी ही वजनदारी के साथ में सुनना, ख्याल में आ रहा है ना नीलेश भाई, जैसे किसी अपराधी को बार बार उसकी सेल जहाँ पे वो है उसके नाम से बोला जाए, जो अपराध का नंबर है उसके नाम से बोला जाए, और वो अपने नाम के बाद में क्या बन जाए, सेठ भी बन जाए, और सेठ में भी रखे कैदी नंबर है, कैदी नंबर 515 सुपरमार्केट कैसा लगे, कैदी नंबर बर्तन भंडार कैसा लगे, हैं बोलो है? कैसा लगे, ये मनुष्य पर्याय तो कैद है हमारी, और इसका नाम, ये हमारा जेल का नंबर है, ये कोई मनुष्य पर्याय है क्या? ये 50-60-70 साल जितनी भी उसकी उम्र है, ये आत्मा जिसमें कैद रही, उस बैरिक का नाम, उस सेल का नाम, उस अपराध का नाम ही मनुष्य पर्याय है। ना
अब हमें इसके मान की पड़ी रहती है, ये तो भूल जाने लायक, भूल जाने लायक कि याद करने लायक है? बताओ ईमानदारी से बताओ, क्या याद करने लायक है? ये अस्मा जो आप जो पूर्व में देह के साथ अपनापन किया और इस देह के प्रति अपनापन के कारण जो मनुष्य पर्याय मिली, उस मनुष्य पर्याय ये तो हमारे अपराध का फल है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? तो भी कितना पड़ा रहता है इस असमान जाति पर्याय का नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ओहो हो, ये असमान जाति पर्याय का नाम मेरा नहीं। ये समय सार की एक एक गाथा में जो वैभव गूंज रहा है वो मेरा है, है? कुंद कुंद आचार्य देव जिसका बखान करते करते थकते नहीं, वो मेरा बखान है। गुरुदेव श्री जिसका नाम लेते ही सहज ही अंदर से आ हा हा शब्द निकलता है, वो मेरा बखान है। भगवान भी जिसकी वंदना करते हैं ऐसा चैतन्य तत्व मैं हूं, ये समय सार से कह रहा है भाई साहब। लेकिन कितना हो गया, आत्मा का मान आवे तो हमें कुछ नहीं होता, और असमान जाति पर्याय का मान आवे, ओ देखो मेरा मान आया, मेरा मान आया, मेरी अखबार में फोटो आई, मेरी न्यूज में आई, मेरा ऐसा हो गया, अरे प्रभु ओ हो किसका हुआ? ये मूर्छा तो छोड़नी, असमान जाति पर्याय जो करे वो ब्रह्म। और किया का मैंने तो तब भी जाना, वो तो जगत कह रहा है कि किया किया किया, क्या किया मैंने, क्या किया जगत तो कहेगा, जगत तो जो देख रहा है वो ही कहेगा ना, देखने वाले को तो जगत देख नहीं रहा। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और कुछ करने जाऊं तो जड़ हो जाऊं, और जड़ होने की शर्त पर हम कर्तृत्व को स्वीकार कर लेते हैं। शरीर को संभालना मतलब जड़ता को आमंत्रित करना, घर मकान हर किसी भी पर को संभालना मतलब जड़ता को आमंत्रित करना। ओहो प्रभु मैं कहाँ उस पर को संभाल सकता हूँ, और संभालने की जरूरत क्या है, सब संभले संभलाए ही है। मन में आया कि नहीं? सब क्या है, संभले संभलाए तो ही है। सोना था, स्वर्णत्व गुण वाला था, कीमती था, सब था, अपने आप में सारी चीजें तो उसके अंदर थी, तुमने आभूषण बना दिया, अब पूरा क्रेडिट तुम लेके जा रहे हो, तुम्हारे अंदर हो तो रेत का बना के बता दो। मतलब देखो जगत को देखो एक बार, है? मैंने भोजन बनाया, क्या किया भोजन में, क्या बनाया, सारी चीजें तो बाहर ही पड़ी थी, बस एक अनुपात में मिलाया, वो भी उनकी योग्यता थी, और वो भी जब योग्यता होती तभी बनता। मेहनत तो आप हर बार एक सी करते हो, है? आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, आपको पता हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक रक्त की बूंद नहीं बना पाए, एक गेहूं का दाना नहीं बना पाए, एक परमाणु का कण नहीं बना पाए, एक आत्मा कहां से बना लेंगे? नहीं है बात समझ, ये सब जो कुछ बना, मोबाइल पंखा टीवी कूलर ये सब बना, बना ना अंकित भाई, किसने बनाया? टीवी बनी तो कहां से बनी, लोहा यहीं से लिया, धातु यहीं से ली, मोबाइल बना तो कहां से बना, सब चीजें तो यहीं की यहीं। कोई ऐसी चीज बताओ जो रॉ मटेरियल के बिना बनी, विचार करके देखो, इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं एक चीज नहीं बना पाए, और एक नहीं हजारों, यानी जो है वही परिणमित होता है,
जो है नहीं वो परिणमित होगा कैसे, इतनी लाइन के लिए ख्याल में आई। तो सारे के सारे वैज्ञानिकों ने जितने भी प्रयास किए हैं वो नया नहीं किया कुछ भी, जो चीजें थी उनको अरेंज किया, नया करने की उनसे बनता भी नहीं है। एक रक्त की बूंद नहीं बना पा रहे, विचार करके देखो, जो एक बालक के शरीर में बन रही, पशु के शरीर में बन रही, कितनी कॉमन है, हर एक के अंदर बह रही है। और डॉक्टर इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं तो भी कह रहे हैं कि साहब आपके पास भीख मांगने आते हैं, रक्तदान करो, रक्तदान महादान, रक्तदान महादान बना लो ना भाई, तुम्हारे पास नेत्रदान महादान बना लो, नेत्र स्टेम सेल दो, स्टेम सेल दो, बना लो ना स्टेम सेल है? वैक्सीन आपको बचा रही कि आपका शरीर खुद अपने आप को बचा रहा है? ये वैक्सीन नहीं बचाती, वैक्सीन के कारण आपके शरीर में वो प्रतिरोधक क्षमता होती है, विकसित होती है आइडियली, बाकी प्रैक्टिकली कितना क्या काम कर रहा है वो पता नहीं। मतलब आप सोचो कि इतनी सारी तरक्की कर ली, बाहर में टीवी मोबाइल कूलर पंखा फ्रिज सुपर कंप्यूटर बना लिए, सैटेलाइट बना लिए, और खून की बूंद नहीं बना पा रहे, आँख की कॉर्निया नहीं बना पा रहे। करता 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 करके बताओ ना, यानी जिसके अंदर जो गुणधर्म है, अब यह सिद्धांत निकलता है, जो जिस रूप परिणमित हो सकता है वो उस रूप ही परिणमित होता है, अन्य रूप परिणमित होता नहीं। अगर अन्य रूप परिणमित होता तो हम पानी को खून में बदल देते, और वो पानी भी खून में बदलता है कब, उसकी योग्यता से, वो शरीर में जाता है और शरीर में जाकर वो अपने आप अपने रूप चेंज हो जाता है, आपके कारण नहीं हो रहा। जो एक एक के अंदर बह रहा है, इतना कॉमन फैक्टर, इतना जो गेहूं हम रोज खाते हैं, एक लैब में बना के बता दो आप कितना बेचा होगा इस बार, बहुत बेचा होगा ना। अब डॉक्टर कहे भोजन की बड़ी कमी हो रही है, अन्न की बहुत कमी हो रही है, चलो प्रयोगशाला में गेहूं बना लें। जो हजारों साल पहले से जो विज्ञान हम जानते हैं कि बीज को भूमि में डाला, अवण में अवण व्यक्ति भी जिस विज्ञान को जानता है, उसका अल्टरनेट आज के हजारों वैज्ञानिकों के पास नहीं। संदीप संजय भाई ख्याल मारा, अवण में अवण व्यक्ति 10,000 साल पहले खेती चालू हो गई थी, इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं। नवपाषाण युग में खेती चालू हो गई थी, कितने साल पहले, 10,000। और वैसे तो अगर अपन धर्म के हिसाब से देखें तो आदिनाथ भगवान ने कृषि कर्म सिखाया था, तो हजारों सालों से जो काम कर रहे हैं आज तक उसकी अल्टरनेटिव व्यवस्था दे पाया कोई? एक गेहूं का दाना लाखों वैज्ञानिकों की टोली लग जाए और बोले गेहूं के बगैर गेहूं बना के बता दो, चने के बगैर चना बना के बता दो, चावल के बगैर चावल बना के बता दो, रोज खाते हो ना दाल भात रोटली, ये क्या बता रहा है? जो जिस रूप परिणमित होता है, जैसे परिणमित होता है वैसे ही परिणमित होता है, अन्य रूप परिणमित, इतना बैठी कि नहीं बैठी बात? तो अभी जिनका हम कर्ता बन रहे हैं वो उस रूप परिणमन की, अब सिद्धांत समझना, वो उस रूप परिणमन की योग्यता वाले थे कि नहीं थे, थे कि नहीं थे, थे तो तुमने क्या किया, और नहीं थे तो अन्य रूप बदल के बता दो। लॉजिक समझ में क्या कह रहा हूं? ये सब प्लेटफॉर्म किसके लिए बनाया? बार बार हमें परिणमित याद है, मैंने किया, मैंने रोटी बनाई, मैंने रोटी बनाई, बराबर ना। तो प्रश्न, वो गेहूं के परमाणु में रोटी रूप बनने की योग्यता थी कि नहीं थी? थी तो तुमने क्या किया?
थी तो तुमने क्या किया, और नहीं थी तो एक लोई को एक मीटर लंबी करके बता दो। ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप करते हो अन्य रूप परिणमित करके बता दो। अगर आप करता हो, बहुत सिंपल सा काम बता रहा हूं ना, अगर आप 10 इंच के डायमीटर की रोटी बनाते हो, 6 इंच के डायमीटर समझ गए ना, व्यास गोल बनती है ना, अधिकतर गोल ही बनती होगी है? तो गोल वस्तु का तो व्यास होता है ना, लंब चौरस हो, चौरस हो तो विड्थ और लेंथ हो, मान के चलते हैं कि गोल ही बनी। अब अगर आप 8 इंच के डायमीटर वाली रोटी बनाते हो और आपने बनाई है, तो पहले नंबर प्रश्न आएगा कि रोटी के अंदर योग्यता थी तो बनी कि नहीं थी। तो अगर आप बोलो योग्यता थी, तो मेरा उत्तर ये है कि जब योग्यता ही थी तो तुमने क्या किया। अब फिर दूसरी बात बोल, नहीं 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 योग्यता नहीं थी लेकिन फिर भी हमने कोई, तो अन्य रूप परिणमित करके बता दो। जो 8 इंच की रोटी होती है उसे बना दो 15 इंच की, थोड़ी बनती है, नहीं बनती ना, तो जितनी बनी सो कैसे बनी, यही तो बता रहा। जितना वो रोटी बनाने का वो होता ना, क्या बोलते हाँ लोया, उतना सोना हो ना, सोना तो खिंचता 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 वो किलोमीटर तक लंबा चला जाएगा, क्योंकि सोने में इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है वो। हाँ ये सबसे ज़्यादा होती है, चांदी का वर्क या सोने का वर्क क्यों बनता है, वो इतना सोना, लेकिन वो जरा सा भी हो लेकिन वो खिंचता जाता है खिंचता जाता है खिंचता जाता है खिंचता जाता है, जितना ठुकेगा गेहूँ के अंदर नहीं होती, इसलिए इतने लोहे की इतनी बन पाएगी, ज़्यादा करने जाओगे चिपक जाएगा। लेकिन सोने के अंदर क्या होती है, उसको जितना तुम करोगे जितना लोया है उतने में तो काम आओ, कितना लंबा वो पत्र बर्फ बन जाएगा उसका, यानी इतना लोया सोने का कई कई मीटर लंबा हो जाएगा, और इतनी लोया रोटी का वो आपके पटे के बाहर नहीं जाएगा, यानी मैं लोहे को लंबा करने फैलाने वाला नहीं, ये निर्णय समझ में आया। दो सिद्धांत ख्याल में आ गए ना, बैक टू बैक, जो जिस रूप परिणमित होता है उस रूप ही परिणमित होता है। आप विचार करके देखो, 5 साल के लड़के की मूछ उगा के बता दो और 25 साल के मूछ ना उगे ऐसी व्यवस्था करके बता दो है? अगर वो 5 साल वेदांश है ना, वो अथवा कोई हो, फैंसी ड्रेस कंपटीशन करना हो, अब भगत सिंह बनाना हो उसे, तो आप क्या करोगे, लगाओगे या फिर मार्कर से बनाओगे है? अब जैसे कोई व्यक्ति हो बार बार रुक जाती है, बोले यार बार बार हटानी पड़ती है, एक काम करो इस ये ना होगे ऐसी व्यवस्था कर दो और उसकी उग आए ऐसी व्यवस्था कर दो। काम तो अपने ही है ना, घर के ही बाल है ना है? वो 5 साल का लाख उपाय करोगे तो मूछ नहीं आएगी, और 20-25 साल का है तो आप लाख उपाय करो कि नहीं आए तो भी आए बिना। जो वस्तु जिस रूप परिणमित होती है वैसी ही होती है, तो मैं विकल्प अपने ऊपर तो चलता नहीं और पूरे जगत में चलाना चाहिए। बाल तो हम बदल नहीं सकते, बाल नहीं बदल सकते, और पूरी दुनिया को बदलने की सोचते हैं। अब इसे मूर्खता नहीं कहें तो क्या कहें,